हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूनम्स तड़का किचन में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही लच्छेदार रबड़ी घर पे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ दूध चाहिए हमें, चीनी और ड्राई फ्रूट्स, और कुछ भी नहीं चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मैं डेली आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आती हूँ। तो हमने इसे बनाने के लिए लिया है 1 लीटर दूध लिया है हमने, और इसको हम लगातार चलाएँगे। बॉयल आने तक हमें इसे अच्छे से चलाना है, वरना ये नीचे लग जाता है और उससे जले की स्मेल हो जाएगी और हमारी रबड़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनेगी। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक बॉईल आने के बाद ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा बीच बीच में चला सकते हैं, लेकिन जब तक दूध हमारा गर्म नहीं हो जाता, अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता है, एक उबाल नहीं आ जाता है इसमें, तब तक हम इसे चलाते ही रहेंगे लगातार, वरना इसका बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये नीचे लग जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अब देखिए, जैसे ही स्टार्टिंग में हम इसे अच्छे से गाढ़ा करेंगे, जब ये गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद हम हमारा प्रोसेस करेंगे, जिससे कि हमारी रबड़ी लच्छेदार बनती है। अगर आप इसे लगातार चलाते रहेंगे और चला के बनाएंगे तो हमारा बिल्कुल ही सॉफ्ट जो होता है मावा, जब हम बनाते हैं बिल्कुल पेस्ट जैसा, वैसी रबड़ी बनेगी। तो हमें तो बनानी है बिल्कुल लच्छेदार रबड़ी, तो उसका प्रोसेस हमारा थोड़ा सा अलग होगा। मैंने इसे मीडियम गैस पे रखा था, मीडियम गैस पे मैंने बॉईल किया। बीच बीच में गैस को मैं तेज़ कर रही थी क्योंकि हमें इसे जल्दी बनाना है। अगर जल्दी बनाना है तो आप इसे लगातार चलाइए, बीच बीच में इसके उबाल आए उसके बाद इसे चलाइए। अब देखिए, हमारा अच्छे से दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम जैसे ही ये उबाल आता है, हम इसकी मलाई को साइड में करने लगेंगे। ये देखिए, मैं चम्मच की हेल्प से जैसे ही हमारा बॉईल आ रहा है, मैं मलाई को इसके साइड में लगाते जा रही हूँ। आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। इससे हमारा क्या होगा कि रबड़ी में हमारे लच्छे बनेंगे और वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। तो आपको भी ये प्रोसेस फॉलो करना है। हम ये शुरू में नहीं कर रहे थे क्योंकि तभी हमारा दूध काफ़ी पतला था, अभी गाढ़ा हो चुका है तो हमारी मलाई भी काफ़ी मोटी आ रही है ऊपर, तो ये हमारे लिए ईजी होगा। हम स्टार्टिंग से करेंगे तो उससे हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी और वो बन भी नहीं पाएगा उस टाइप का। तो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको किस तरह से हमारे लच्छे बने हैं रबड़ी में। और अभी तो हम इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको रबड़ी को कितना गाढ़ा रखना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये ठंडा होने के बाद गाढ़ी होती है, तो आप उस हिसाब से इसको पतला रखिएगा। अब मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी डाली थी और 4 चम्मच डालने के बाद 1 लीटर में बड़े चम्मच था, तो ये थोड़ा ज़्यादा मीठी हो गई थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 3 चम्मच ही डालें अगर आप 1 लीटर दूध से बना रहे हैं। तो इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, जिसमें हमने डाली है किशमिश, काजू और थोड़े से बादाम हमने काट लिए थे, वो हमने डाले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो ट्रिक्स जो कि अक्सर हमारे साथ थोड़ा ऊपर नीचे, हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो हो जाता है, सबके साथ होता है। तो हमें क्या करना है, अगर ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो आपके पास बॉइल्ड मिल्क होगा, दूध उबला हुआ होता है, उसको आप थोड़ा ऐड कर लीजिए, तो हमारी जो रबड़ी है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। पतली होगी तो आप उसे गाढ़ा कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, उसको थोड़ा सा पका के। और अगर मीठा ज़्यादा हो जाता है तो भी आप उसमें उबला हुआ दूध डाल लीजिए थोड़ा सा, तो आपकी रबड़ी बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये देखिए, हमारी परफेक्ट रबड़ी बनके रेडी हो चुकी है। आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करके बिल्कुल ही परफेक्ट रबड़ी बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो फर्स्ट टाइम ही बिल्कुल परफेक्ट बहुत ही अच्छी रबड़ी बना लेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आप अपनी फैमिली को बना के खिलाइए, तो इस दिवाली आपके घर पर भी रबड़ी बननी चाहिए। क्योंकि इससे आसान रेसिपी और कम इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी हो ही नहीं सकती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। मैं डेली आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आती हूँ, उससे ये होगा आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगी। तो प्लीज़ जो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे प्रेस कर लीजिए। तो अब आप भी वेट मत कीजिए, जाके रबड़ी बनाइए और खाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।